नमस्कार दोस्तों, इंडिया रिटर्न अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं और 10th क्लास की जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या होती है विलोपन विधि। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पहला समीकरण रहता है इसको हम नाम देते हैं समीकरण एक, जो दूसरा समीकरण रहता है इसको नाम देते हैं समीकरण दो, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों को हल करना शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं गुणांक के बारे में, गुणांक क्या होते हैं, गुणांक, ठीक है। क्योंकि जब तक आप गुणांक नहीं जानेंगे, कोफिशियंट नहीं जानेंगे, विलोपन विधि को नहीं समझ पाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x + 6y = 6, ठीक है, और पूछा है इसमें कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, x के आगे जो संख्या रहेगी उसको गुणांक बता देंगे। तो x के आगे क्या है, 2 है, तो x का गुणांक क्या होगा, 2। y का गुणांक, y का गुणांक क्या होगा दोस्तों, y का गुणांक 6 होगा, क्योंकि y के आगे क्या है, 6 है, ठीक है। तो गुणांक आप समझ गए होंगे किन संख्याओं को हम बोलते हैं। ये जो चर राशियां हैं f और y, इनके सामने या इनके साथ जो नंबर लिखे रहते हैं इनको हम बोलते हैं गुणांक, ठीक है। एक और इक्वेशन हम लेते हैं, 7x + 2y = 8। यहाँ पर x का जो कोफिशियंट है वह 7 है, x का गुणांक क्या है, 7, और y का गुणांक क्या है, 2, ठीक है। अगर यहाँ पर -7 हम लिख दें तो बोलेंगे x का गुणांक क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इन दो समीकरण को हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो x के गुणांक हैं या फिर y के गुणांक हैं इनको समान करेंगे। विलोपन विधि में जो पहला स्टेप होता है वह क्या होता है, या तो x के गुणांकों को आप समान कर लीजिए या फिर y के गुणांकों को। अगर x के सामने यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी x के सामने 6 होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। या फिर y के सामने 6 है तो इस y के सामने भी 6 होना चाहिए, ठीक है। या तो x के गुणांक आप समान कर लो या फिर y के गुणांक। तो गुणांक समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके सामने जो संख्याएं लिखी रहती है, जैसे इस x के सामने यहाँ पर 3 लिखा है और इस x के सामने यहाँ पर 2 लिखा है, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इस इक्वेशन में कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई आप इस इक्वेशन में कर देंगे। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 2x + 3y = 14। अब इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, 3 का, तो 3 का गुणा इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, ठीक है। जब आप इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2x + 3y में करेंगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई एक बार 2x में होगा, एक बार 3y में, तो 3 2 जा 6, तो ये आ गया 6 + 3 3 जा 9, तो ये आ गया 9। और यहाँ पर जब आप 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा 3 चौके 12 की 2, हासिल आए 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों इस x के सामने यहाँ पर क्या था, 3 था, तो इस 3 का हमने गुणा कर दिया इस समीकरण 2 में, ठीक है। अब इस x के सामने 2 है यहाँ पर, तो इस 2 का गुणा करेंगे हम इस समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 2 का गुणा
करने पर। समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 2y=41। इसमें हम किसका गुणा करेंगे, इस दो का, और यहाँ भी दो का गुणा हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इस दो का इस पूरे टर्म में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, जब इस 2 का मल्टीप्लाई आप इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y। 41 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 82। इसको नाम देंगे समीकरण 4। अब दोस्तों समीकरण 3 और 4 में आप देख सकते हैं इस एक्स का गुणांक और इस एक्स का गुणांक एक जैसा हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक है। हमें वाई के गुणांक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स का गुणांक हमारा कैसा हो चुका है, एक जैसा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी दोस्तों जब हमारे गुणांक समान हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी चर राशि के, चाहे एक्स हो या वाई हो, तो यहाँ पर हमारे एक्स के गुणांक समान हो चुके हैं। अब इस एक्स को हम क्या करेंगे, ब्लोपित करेंगे, मतलब हटाएंगे। और इसको ब्लोपित करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 और 4 को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो दोस्तों अब हम घटा दोस्तों यहाँ पर हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। 6x+9y=42। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 4 को, 6x+4y=82। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं। जब घटाते हैं हम तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नीचे वाला क्या है, 6x+4y=82, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब 6x में से जब आप 6x घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, प्लस 9 में से -4 करेंगे कितना आ जाएगा, +5y। और यहाँ पर 42 में से आप 82 को घटाएंगे तो कितना आएगा, अब 42 में से 82 घटेगा नहीं तो आप 80 में से 42 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी, 82, और इसमें ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे और इस 5 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा -40/5। अब इस 40 में आप 5 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 5 8 40 होता है, यहाँ पर ऋण है इसलिए यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों हमारा बाय का मान। अब हम निकालेंगे एक्स का मान। एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बाय के मान को या तो समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख देंगे, ठीक है। तो हम इस बाय के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में y बराबर -8 रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x+2, y की जगह हम रख देंगे -8=41, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 3x का 3x+2 और -8 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है
और 2 को 8 में गुणा होगा तो 16 आएगा, ठीक है, बराबर 41। अब इस 16 का हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 41, और यहाँ पर ऋण 16 है तो यहाँ पर हो जाएगा +16, ठीक है, तो 3x=41 + 16 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं साफ कर देता हूँ। दोस्तों 41 में जब आप 16 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 57, ठीक है, कितना हो जाएगा 57, यहाँ पर है आपका 3x, इस 3 को उस साइड आप ट्रांसफर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 57/3। 57 में जब आप 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 19। यहाँ पर अब आप लिख देंगे आता है y बराबर -8 बा x बराबर 19 समीकरण के हल होंगे। तो दोस्तों ऐसी ग्लोबल विधि बहुत ही आसान विधि है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल और प्रतिस्थापन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, एक्स और वाई के गुणांकों को समान किया था, फिर जो हमारे समीकरण 3 और 4 आए थे उनको हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है, और घटाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ वाई वाला टर्म मिला, क्योंकि एक्स वाला जो टर्म है वह लोपित हो गया, ठीक है, कट गया, और यहाँ से हमने वाई का मान निकाला। इस वाई के मान को हमने समीकरण 1 में रखा और एक्स का मान निकाल लिया। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे किसके गुणांक हम समान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स के सामने क्या है, 1 है, और यहाँ पर एक्स के सामने 2 है, ठीक है, यहाँ पर वाई के सामने 2 है और यहाँ पर वाई के सामने 3 है। हम यहाँ पर दोस्तों एक्स के गुणांक समान नहीं कर रहे, हम वाई के कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक्स के गुणांक समान किए थे, अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ वाई के गुणांक समान करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2, समीकरण 2 में आपको किसका गुणा करना है, यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 ए वाला है, ठीक है, यहाँ पर वाई के सामने 2 है, तो आप समीकरण 1 में 2 का गुणा नहीं करेंगे। समीकरण 2 में आप देखेंगे वाई के सामने क्या है, 3 है, तो समीकरण 1 में आप 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले समीकरण की चर राशि के सामने का गुणांक देखा जाता है। अब समीकरण 2 में इसमें हम किसका गुणा करेंगे, समीकरण 1 में वाई का गुणांक क्या है, 2 है, तो इस 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो मतलब उल्टा होता है दोस्तों, एक में दूसरे वाले का देखा जाता है और दूसरे वाले में पहले वाले का, ठीक है, और गुणांक हमेशा बाय का ही देखा जाता है। अब हम गुणा करते हैं दोस्तों, जब आप इस समीकरण 1 में, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक, जब आप समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x+6y=-3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 × 2, ठीक है, समीकरण 2 में इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो समीकरण 2 क्या है, 2x-3y=12, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा तो आ जाएगा 4x, 2 का मल्टीप्लाई इस -3 में हो जाएगा तो -6y आ जाएगा,
और 12 का 2 में होगा तो आ जाएगा 24। अब आप देख सकते इसको, सॉरी दोस्तों, 3 है और ये होगा 4। अब आप देख सकते हैं दोस्तों समीकरण 3 और 4 में इस बाय के गुणांक कैसे हैं, एक जैसे हैं। मतलब अब यहाँ पर हम किसको विलोपित करेंगे, बाय को विलोपित करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, समीकरण 3 में से 4 को घटाया था। इसमें हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे नहीं, 3 में 4 को जोड़ेंगे। और क्यों जोड़ेंगे उसका रीजन आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हम बाय को विलोपित कर रहे हैं, ठीक है, विलोपित कर रहे हैं मतलब हटा रहे हैं। यहाँ पर बाय के सामने प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर भी क्या हो जाएगा, बाय विलोपित हो जाएगा। तो हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 धन समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3x प्लस 6y इक्वल टू -3, और यहाँ पर है 4x माइनस 6y इक्वल टू 24। तो दोस्तों जब हम जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार के चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो 3x में जब आप 4x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x, और प्लस 6y और माइनस 6y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आप लिख सकते हैं, और -3 और +24, -3 +24 क्या हो जाएगा, 21। यहाँ पर प्लस है बड़ी संख्या में तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +21। 7x यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो 21। इस 7 को आप इस साइड ट्रांसफर कर दो तो 21 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 21 में जब आप 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। अब x का मान आप कहाँ पर रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y माइनस 1, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 3, क्योंकि x बराबर 3 आया है, प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1। इस x की जगह हमने क्या रख दिया, 3, प्लस 2y को एज इट इज लिख दिया, बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही लिख दिया। अब इस y का मान हम निकाल लेंगे, इस 3 को उस साइड ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर -1, यहाँ पर +3 है, इस साइड आएगा -3 हो जाएगा। -1 और -3, माइनस और माइनस हमेशा जोड़ते हैं, तो ऋण 1 और ऋण 3 हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। दोनों संख्या में ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आएगा। ये जो 2 है आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 2। अब आप इस ऋण 4 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर ऋण है तो यहाँ भी ऋण आ जाएगा। तो बाय बराबर आपका कितना आ गया, -2। यहाँ पर आप लिख देंगे अतः एक्स बराबर 3 और बाय बराबर ऋण 2 -2, ठीक है। समीकरण निकाय के हल होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। समीकरण 1 आप इसको नाम देंगे, समीकरण 2 आप इसको नाम देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, या तो x के गुणांक समान कर लेंगे या तो y के गुणांक समान कर लेंगे। तो हमने इसमें y के गुणांक समान कर लिए। अब गुणांक समान करने के लिए आप इस समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 का आप इस समीकरण में, ठीक है। तो समीकरण 1 में इस 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो समीकरण 1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 का x में किया 3x, 3 का 2 में किया 6y, -1 का 3 में किया -3, आ गया समीकरण 3। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस समीकरण 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 गुणित
दो, दो का दो में किया चार, दो का ऋण तीन में किया ऋण छह, 12 में दो का किया 24, समीकरण नंबर चार आ गया। अब ग्लोबल विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस भी चर राशि के गुणांक समान रहते हैं उसको हम ग्लोबित करते हैं, मतलब हटाते हैं, और हटाने के लिए या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, ठीक है, अगर चिन्ह असमान है तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, असमान है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण तीन धन समीकरण चार कर दिया हमने, ठीक है। तो 3x और 4x क्या हो गया, 7x, धन प्लस 6 और माइनस 6 क्या हो गया, 0, माइनस 3 प्लस 24 कितना हो गया, प्लस 21, बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आया। अभी 7 आपका नीचे चला गया तो 21 डिवाइड बाय 7 हो गया, ठीक है। 21 में जब आपने 7 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे, तो इस x की जगह आपने 3 लिख दिया, बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब इस 3 को हमने उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो 2y इक्वल टू हो गया -1 -3, ठीक है, -1 -3 -4, 2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया, -4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, -2। अब y बराबर आ गया -2, अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2 समीकरण निकाल के हल होंगे। तो दोस्तों ऐसी ग्लोबल विधि। अब यहाँ पर एक IMP नोट में आपको बता दूं, जिन आप यहाँ पर लिखेंगे जिन चर राशियों के गुणांक समान हैं बा चिन्ह भी समान है तो हम समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं, x -2y इक्वल टू 5 और 2x -2y इक्वल टू 6। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों y के जो गुणांक है वो कैसे हैं, समान हैं, और चिन्ह भी कैसे हैं, एक जैसे, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। हमने यहाँ पर लिखा है जब गुणांक समान हो व चिन्ह भी समान हो, ठीक है, किसी भी एक चर का देखेंगे हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब एक्स -2x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और -2y +2y कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 5 -6 कितना हो जाएगा, -1, x इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा नियम है हमारा, अगर चिन्ह असमान हो, ठीक है, असमान हो तो समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x -2y इक्वल टू 5 और 2x +2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बाय और इस बाय के जो गुणांक है वो कैसे, एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह कैसे, असमान है, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो इनको हम कर देंगे प्लस। तो एक्स और 2x कितना हो जाएगा, 3x, और -2y +2y कितना हो जाएगा, 0, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 11, ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 11y 3 आ जाएगा। तो यह दोनों रूल आपको ग्लोबल विधि में याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोपन विधि में आपको दो चीज याद रखनी है, ठीक है। पहला, जिन भी चर राशियों के आप गुणांक समान कर रहे हैं
उनको क्या करना है आपको, हटाना है ठीक है, समीकरण से हटाना है ठीक है। और हटाने के लिए क्या देखना है, चिन्हों को देखना है, अगर उन चर राशियों के सामने के चिन्ह समान है, एक जैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर असमान है, एक जैसे नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जैसा कि आपने इस उदाहरण में देखा है। दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत